गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो हम भी अच्छे हैं गाइस। सुबह सुबह का टाइम है और संडे का दिन है। पूजा पाठ करके अभी हम आए हैं मंदिर से और बारिश बहुत जोरों शोरों से हो रही है। ठंड भी ज्यादा है आज। और इसको बता दो ये कैसा लग रहा है। देखो गाइस, आज मैंने नया लुक किया है। अंदर मेरे एक टी शर्ट है। मैं कह रहा हूँ मम्मा मेरे को वो ग्लोव्स दिला दो यहाँ तक के, फिर टी शर्ट पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइस आप कमेंट करना कि दिला दे मम्मा। तो ये कैसा लग रहा है बताना आप। इसको ऐसे ऐसे सोख चढ़े हैं और मैं नहलाती हूँ इसको, और लेकिन स्टाइल चाहिए ऐसे। आज मैंने नहलाया है इसको, वो संडे के दिन मैं ही नहलाती हूँ। तो बताओ गाइस कैसे हो आप। आपके काफी कमेंट आ रहे हैं कि दीदी 32 बार नहीं हो रहा, पहले हमने 32 बार किया था और वेट लॉस भी किया था लेकिन अब नहीं हो पा रहा। तो ये तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ डियर कि एक बार जो चीज छूटती है उसको पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो मेरे से छूटा था 32 बार लेकिन मैंने पकड़ लिया है धीरे धीरे करके। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसे नहीं हो, इतने कच्चे खिलाड़े भी नहीं हो यार आपकी, बस हो ही नहीं रहा। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको बोल दे कि हो ही नहीं रहा हमसे। तो क्या इतने कच्चे खिलाड़ी हो आप, कम से कम उसकी पकड़ तो करो आप। उठो एक बार, उठ के देखो और करो थोड़ा थोड़ा। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि कैसे होगा, रूम बंद कर लो। रूम बंद करके ठान लो कि मुझे 32 बार करना है। 32 नहीं हो रहा, 10 से शुरू कर दो, 15 से शुरू कर दो, लेकिन शुरू करो आप, हो सकता है। कोई भी काम मुश्किल नहीं है अगर अपने दिल से सोचे तो, उससे कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, ठीक है। अगर करने की सोचे तो, अगर यही है कि भाई ध्यान कहीं और है और थोड़ा बहुत किया और छोड़ दिया, थोड़ा बहुत किया फिर छोड़ दिया, अरे परिश्रम करने से तो हल मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आप करोगे ना, होती है यार, एक बार करके देखो। मैं आपके सामने प्रूफ बैठी हूँ। कितने दिनों से मैं घर गई थी, मुझसे नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने कोशिश नहीं छोड़ी, बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। मैं कोशिश करती रहती हूँ कि कब तक नहीं होगा भाई। जिसको ये है कि मुझे अपनी बॉडी सेफ में लानी है, वो जरूर कर लेगा इस चीज को। उसके अंदर अपने आप ही हिम्मत आएगी कि मुझे करना है। जिसने वेट लॉस करना है वो हर मुश्किल कर लेगा। काफी लोग कर लेते हैं एक्सरसाइज वगैरह भी, इतनी हार्ड चीजें कर लेते हैं, लेकिन ये सिंपल सा जो फॉर्मूला है जिससे वेट लॉस होता है वो चीज नहीं कर सकते। जैसे 32 बार है, ये आसान काम इतना आसानी से नहीं होता, ये आप लिख लो। और जिसने करना ही है कि मुझे करना है 32 बार, मैं कर लूंगा आराम से कर लूंगी, तो एक बार अपने बारे में सोचो और उठ जाओ। अब मुझे करना है, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, कभी तो होगा ना। कहते हैं मंजिल एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, ठीक है। ये सोच के चलो, अंदर मोटिवेशन बातें डालो, होगा, जरूर होगा आपके से, क्यों नहीं होगा। मैं आपके साथ हूँ। जो भी आपके मुश्किल आती है कि कौन सी चीज नहीं हो रही, कमेंट करो, मैं आपको वो चीज करके दिखाऊंगी और बताऊंगी, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने ब्रेकफास्ट की ओर। ब्रेकफास्ट बनाते हैं, क्या बनाएंगे इस बंदे की। शायद कुछ चटपटी चीजें, मैगी वगैरह पे उछल रहा है, लेकिन देखते हैं क्या बनाते हैं। हंसी देखो इसकी। और काफी लोग मैना गाइस ये बोलते हैं कि भाई बहन लगते हो तुम, माँ बेटा बिल्कुल नहीं लगते। और हमारी ऐसे ही चलती रहती है कचपच दोनों की, जैसे भाई बहन रहते हैं हम ऐसे ही रहते हैं। मनु हर बात मुझसे शेयर करता है और मैं मनु से शेयर करती हूँ, तो हमारी दोस्ती है लाजवाब। तो गाइस मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मेरे लिए बना रही हूँ मूंग मोठ, जो मैंने अंकुरित भी कर लिए थे। तो देखो थोड़े से थे ये और अंकुरित करके मैं बना रही हूँ आज। ये देखिए ऐसे अंकुरित हो गए थे, इसमें मैंने टमाटर प्याज और हरी मिर्ची, तो बस और कुछ नहीं। इधर मैंने रख दिए हैं आलू, जो मनु बनवा रहा है आलू के पराठे। जाओ गाइस अपना ब्रेकफास्ट तैयार है, खाते हैं। बिल्कुल शपथ लेते हैं आज पूरा 32 बार के साथ खाते हैं। तो मैं तो अच्छे से करने लग गई हूँ गाइस 32 बार को। आप कब से करने वाले हैं कमेंट जरूर करिएगा। गाइस
मैंने मसाला तैयार कर दिया है आलू का। मैंने इसमें डाला है आलू, प्याज और हरी मिर्ची और वो मोटा धनिया आता है ना, वो कूट के डाला है। बहुत अच्छा स्वाद आता है उसका पराठे में। और थोड़ी सी अजवाइन डाली है और ये आटा भी लगा दिया है। और मैं उसके लिए जल्दी से बना देती हूँ पराठे, फिर लंच का टाइम हो जाएगा क्योंकि 12:15 का टाइम हो गया है। फिर वो आएंगे, जब तक तो मेरे को सब्जी भी बनानी पड़ेगी जल्दी सी। पराठा है तैयार, उसको देख के आती हूँ जल्दी। तो गाइस मैं अभी बना रही हूँ सोयाबीन दाल, और मैंने टमाटर और लहसुन और अदरक ये पीस लिए हैं। इधर टमाटर भी पीस दिया है, हरी मिर्ची उसमें, और इधर थोड़ी सी दाल भी पीस ली है सोयाबीन की। और मैं अभी इसमें, और दाल मैंने उबाल ली है, रात को भिगो दी थी और अभी उबाल लिया है इसको। और इधर लगा दिया है तेल, अब दाल में लगा देते हैं जल्दी से तड़का। और भरपूर मात्रा में प्रोटीन है गाइस इस दाल में। अगर आप खाना चाहो तो प्रोटीन में आप इसको वैसे भी एक कटोरी वैसे भी दाल पी सकते हो, सूप बना के इसका, पतली सी दाल बना के, तो रात को भी आप ले सकते हो। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। गोलगप्पे, ये गोलगप्पे का पानी है, गोलगप्पे का मसाला, और ये है गोलगप्पे। बारिश हो रही है अभी हल्की हल्की, तो गोलगप्पे वाला आया था क्योंकि सामने ही है उसका मकान, तभी वो बेचने आया था, तो मन्नू ले आया डन गोलगप्पे। आज गोलगप्पे खिलाएगा ये मेरे को कि मम्मा खाओ। खा सकती हूँ मैं गोलगप्पे? खा लू, दिक्कत नहीं है। तो आज गाइस मैं गोलगप्पे को भी 32 बार करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गाइस गोलगप्पा, इसमें डाला मसाला अपना, और पूरा 32 बार के साथ खाइए आप गोलगप्पे। ये लीजिए आपके लिए, अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ गोलगप्पा। अभी जब मैं चबा रही हूँ गोलगप्पे को, देखो, और अगर मान लो वेट लॉस पे होते, डाइट पे होते, तो क्या गोलगप्पे खा पाते? तो 32 बार के साथ
कभी कभी चलते हैं, डेली नहीं लेकिन कभी कभी अपन खा सकते हैं। गोलगप्पे पूरे चबा चबा के चीज खाइए आप, जो कुछ भी खा सकते हो आप, ठीक है। इस मैंने डाल लिया अपना खाना अभी और टाइम बच चुके हैं 4 और बारिश बहुत जोरों शोरों से हो रही है तो लाइट भी नहीं थी तो कंबल में घुस के मैं सो गई थी और अब उठी हूँ। 4 बज गए हैं, बहुत ठंड भी हो रही है और मैंने खाना भी गर्म किया अपना, पराठा भी हल्का सा गर्म कर लिया है और सब्जी भी, और छाछ के साथ मैं खाऊंगी। आप सोच रहे हो इतनी ठंड में भी छाछ, लेकिन गाइस मैं नहीं रह सकती छाछ के बिना, तो मुझे अच्छा लगता है। देखो कितनी ठंड है, तो खा लेते हैं गाइस अपना खाना। मैं भी ले रही हूँ ग्रीन टी। ये ग्रीन टी आज आपको ऐसी लग रही होगी क्योंकि इसने बनाई है ये आज। क्यों रे, ऐसे ग्रीन टी क्यों बनाई? अरे यार थोड़ा मैं भूल गया ग्रीन टी बना के। ये देखो ऐसे ही बनाई है इसने क्योंकि आज ये बार खेलने नहीं गा और मस्ती कर रहा मेरे साथ ही, मैंने बोल दिया जा ग्रीन टी बना के ला। इसको मैं ऐसे है छोटी छोटी चीजें सिखाती रहती हूँ और ये अच्छे से करना भी सीख गया गाइस। तो ले लेती हूँ मैं भी ग्रीन टी। कर लिया है अपना थोड़ा सा जो गूंद के लड्डू ना, मैं थोड़ा सा इसको गर्म कर लेती हूँ गैस पे, तभी अच्छा लगता है मुझे थोड़ा सा गर्म करके। वैसे मैं नहीं खाती, तो मेरा डिनर है ये आज का लड्डू गाइस, क्योंकि मैं खाई नहीं कभी। जब मैं मन्नू हुआ था मैंने तब भी नहीं खाए थे गूंद के लड्डू, अभी मम्मी ने सिखाया थोड़ा सा। भले ही वेट लॉस पे हूँ मैं, नहीं खाना चाहिए मीठा ज़्यादा सारा दिन, लेकिन ये ताकत की चीज़ें हैं, मैं खाऊंगी। और अभी मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया है, जितना भी मुझसे होता है तो मैं खाऊंगी गाइस। मम्मी ने बोला कि खाया कर ताकत की चीज़ें, इससे एनर्जी मिलेगी। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल पे, नहीं तो वीडियो को शेयर करना। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय गाइस।